प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय यीशु की। आज माता कलीसिया आगमन के दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुकी है और पूजन विधि के जरिए हमें निर्माण कार्यों में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है, अर्थात सावधान रहो, जागते रहो। प्रिय मित्रों, निर्माण कार्य हमें पवित्रता और धार्मिकता की ओर ले चलते हैं। अतः बालक प्रभु का मार्ग तैयार करके दया, सच्चाई, न्याय, शांति और प्रेम को अपनाते हुए स्वर्गधाम को पाना है। आइए हम मनन चिंतन करें आध्यात्मिक निर्माण कार्यों के बारे में जो आगमन की पहचान है। पहला आध्यात्मिक निर्माण कार्य है कि प्रभु का मार्ग। बालक यीशु के आगमन से पहले हमें यह याद करना है कि आज के दोनों पाठ हमें प्रभु का मार्ग तैयार रखने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मार्ग सीधा होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ एवं शुद्ध पद हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले चलते हैं और वहां सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगती है। आध्यात्मिक निर्माण कार्य हेतु अपनी परिस्थिति एवं अपने जीवन के मार्ग को सरल, स्पष्ट एवं सटीक बनाएं। प्रिय मित्रों, यदि पद संकीर्ण, बुरे विचार, अंधविश्वास हैं तो उसे शुद्ध करें, पाप स्वीकार कर। यदि आपका पद कटिला, क्रोधी एवं अहंकार है तो उसे सुंदर वचन पढ़कर बनाए। और यदि आपके जीवन का पथ टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब है अस्थिर स्वभाव के, तो उसे अंतःकरण की जांच कर भले कार्यों के द्वारा प्रभु योग्य बनाए। दूसरा आध्यात्मिक निर्माण कार्य है कि प्रभु का संदेश। आगमन काल में प्रभु की प्रतीक्षा करना हमारा परम सौभाग्य है, इसलिए इस शुद्ध संदेश को, शुभ संदेश को निर्जन प्रदेश से लेकर सज्जन कलीसिया की ओर फैलाना है। बालक यीशु का आगमन सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करता और जीवों को पावन बनाता है। अतः हमें प्रभु के दर्शन के लिए न केवल लालायित रहना है, बल्कि कामना और कोशिश भी करनी है, क्योंकि प्रभु के आगमन के शुभ संदेश में धार्मिकता, पवित्रता और निष्ठा का समावेश है। प्रिय मित्रों, तीसरा आध्यात्मिक निर्माण कार्य है कि प्रभु महान है। निश्चय ही संसार में आने वाला नवजात शिशु महान है, इसलिए कलीसिया आम व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि गुरुवर, प्रभुवर, मसीह, क्रिस्त, राजाओं का राजा इत्यादि नामों से संबोधित करती है। हमने सुसमाचार में सुना है कि योहान बपतिस्ता कहते हैं, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे और शक्तिशाली है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। प्रिय मित्रों, अर्थात यह सत्य है कि प्रभु के आगमन से कई नई नई विचारों एवं हमारे आवभाव में बदलाव उत्पन्न होगी। आइए इस मिस्सा बलिदान में प्रभु को ग्रहण करें, उनकी स्तुति करें, उनका दंडवत करें और निरंतर उनकी राह देखते रहे। आज हम दूसरा आगमन काल के त्योहार में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम एक ऐसे मोमबत्ती रखते हैं हमारे ऑल्टर के सामने, जो है कैंडल ऑफ बेथलेहम। बेथलेहम का एक मोमबत्ती जो विश्वास का चिन्ह है। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे योहान बपतिस्मा लोगों के को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने और विश्वास द्वारा
आंतरिक परिवर्तन करने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे कि वे प्रभु को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। हम यौहन बपतिस्मा के सुझावनुसार सुसमाचार अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और अपने समस्त आवश्यकताओं के लिए यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे हैं, आगमन काल में हैं। हम अपने आप को तैयार करें, हमारे मार्ग को सीधा करें, पाप स्वीकार करते हुए एक दूसरों से क्षमा याचना करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें, ताकि हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।